अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। मैं आज खड़ा हूं बहरिया टाउन में और हमने बहरिया टाउन के हवाले से भी और शहर की दूसरी और शहर के अतराफ़ की भी बहुत सारी मालूमात हमारी चैनल पे मौजूद है, लेकिन आज मैं नई चीज़ बताना चाह रहा हूं। नई चीज़ क्या हो सकता है आपको पता भी है लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं पता, वो परेशान होते हैं। बहरिया टाउन मेरे हेड ऑफिस पे, हेड ऑफिस के हवाले से भी और ख़ास तौर पे इस वक्त एक कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब बहरिया में आने वाली गाड़ियां फ्री कर दी गई हैं, लेकिन झगड़े आए दिन हो रहे हैं। यहाँ पर झगड़े आए दिन इसलिए हो रहे हैं कि वजह यह है कि लोगों को पता नहीं है कि टोकन उनको लेना है बहरिया का और वापसी में भी लेना है। तो याद रखें दोस्तों, मैं आपको तरीक़ेकार बता दूँ और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और इन मालूमात को आगे फॉरवर्ड करें। तो आप जब बहरिया की तरफ आएँगे कराची से, तो आपने एक टोकन लेना है, वो आपको टोकन देंगे और उस टोकन के लेने के बाद आप जो है वो हैदराबाद के जब बहरिया में दाखिल होंगे तो उस वक्त आपको वो टोकन रख लेगा, उसके बाद कोई नया टोकन नहीं देगा। फिर आप बहरिया में दाखिल होने के बाद आप में काम करने के बाद जब वापस जा रहे होंगे, ये नुक्ता याद रखिएगा, जब वापस जा रहे होंगे तो वापसी में आपको वो रास्ता इख्तियार करना है जहाँ से टोकन वापसी मिलता है। यानी आप जब बहरिया से बाहर जाएंगे और आप दूसरी रोड पर चले जाएँगे हैदराबाद वाली रोड पर ही अंडर पास से होते हुए, तो आप वहाँ से याद से टोकन ले लीजिए। अगर आप टोकन नहीं लिया तो भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पर बहरिया से निकलते वापस, यानी कराची टूल प्लाजा पर। एक और बात, जब आप टोकन लेने के बाद जाएंगे उस टूल प्लाजा पे, कराची टूल प्लाजा पे, तो आपको लेफ़्ट साइड पे जो तीन ट्रैक बने हुए उससे जाना है। अगर आप किसी और एम ट्रैक या किसी और ट्रैक से अगर दाखिल हो गए तो फिर आपको पेमेंट देनी ही पड़ेगी और वो पेमेंट के बग़ैर आपका गुजारा नहीं है। मैं एक आध दिन मैंने और भी देखा कि झगड़े आए दिन वहाँ झगड़े हो रहे हैं कि भाई पैसे के दिए बग़ैर वहाँ से जाना जा नहीं सकता इंसान। अब जो भी पैसे हैं वहाँ पे, वो आपको पता है लिखा तो 500 रुपये है लेकिन कम से कम 50 रुपये तो देने पड़ेंगे आपको ना उसके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो ख़ास बात यह कि आपने लेफ़्ट साइड से जो ट्रैक है वापसी का वो इख्तियार करना है, वहाँ आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और टोकन लेना ज़रूरी है वापसी में। दूसरी बात ये कि मैं हेड ऑफिस से जब आप आएँ तो एक बात जहन में रखें, मोबाइल आपका रखा जाएगा अंदर, मोबाइल जाने की इजाज़त नहीं है। आपको पता है पहले जो तमाशे होते रहे, अब वो तमाशे पब्लिक के हक़ में हों या जो है ना वो बहरिया के हक़ में हो या उसके ख़िलाफ़ हो, बहरिया को, बहरिया ने उन चीज़ों को रोकने के लिए अंदर हेड ऑफिस में बंद कर दिए मोबाइल जाने से। तो वो आगे आपको एक बाकायदा एक सेल बनाया हुआ है और उस सेल में आपको मोबाइल रखवाना होगा और मोबाइल रखवा के ही आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है जी, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि हेड ऑफिस में सैटरडे के दिन बहुत रश होता है, अभी जहन में रखें। मैं सैटरडे के इस वक्त सुबह खड़ा हूँ और इस सैटरडे के देखें रश देखें गाड़ियाँ, मुझे तो पार्किंग मिली नहीं और ये पूरी गाड़ियाँ पार्किंग, लोग परेशान हैं, गाड़ियों के पार्किंग ढूंढ रहे हैं और बेचारे चक्कर लगाए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो एक तो बहरिया के जो है वो मैं हुकाम से कहूँगा, एक तो इसका इंतज़ाम करें, कुछ पार्किंग का मज़ीद उसको इन्हेंस करें, बेहतर करें। वैसे तो हेड ऑफिस यहाँ से शिफ्टी हो जाएगा, चलें खैर अच्छी बात है, लेकिन ये कि आप गाड़ियाँ जो है अतराफ़ में भी खड़ी कर सकते हैं, कोई गाड़ी उठाएगा नहीं, लेकिन आप तो तरीके से आप बेहतर पार्किंग कर सकते हैं। तो आप, मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ, देखिए सामने वो पॉइंट है, ये पार्किंग है, मैंने खुद गाड़ी वहाँ खड़ी की है। अच्छा, आप जो सुबह जल्दी आ जाएँ ताकि आपके काम भी जल्दी हो जाए, और सामने जो एक बिल्डिंग है उसके नीचे गाड़ी खड़ी करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो बिल्कुल करीब तरीन बिल्डिंग है ये आपके ना, इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हों तो एक फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको गाड़ी जब आप आएंगे ठंडी मिलेगी, यानी साया आपको सुबह 10 बजे से वहाँ 11 बजे से 12 बजे 11 बजे साया शुरू हो जाता है देना, तो आपकी जब गाड़ी खड़ी होगी आप शाम तक भी वापस आएँगे तो ये गाड़ी ठंडी आपको मिलेगी। तो ये एक मोटी मोटी चीज़ें थी जो शायद आपको कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपको इल्म में होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात और दोस्तों, उसमें ये बात है, मैंने बताई ना वो पार्किंग इनकी अपनी नहीं है बहरिया की, ये सामने फ्लैट्स वालों की पार्किंग है, फ़िलहाल खड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पूछ लें, क्योंकि अगर यहाँ पे परमिशन नहीं ली तो गाड़ियाँ उठाई जा सकती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर गाड़ी पार्क करने से पहले आप जो है आप पूछ लें तो बेहतर है, क्योंकि ये उनकी अपनी ऑफिशियल पार्किंग नहीं है। एहतियात ज़रूरी है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।